सिंह है और मैं नेशनल एग्रो स्टैंड की तरफ से हूँ। बेसिकली ये एक जॉइंट वेंचर है नेशनल एग्रो इंडस्ट्रीज लुधियाना और स्टैनी गवर्नमेंट लिमिटेड का। इस जॉइंट वेंचर में हम जो है वेजिटेबल सीडिंग को प्रमोट कर रहे हैं इंडिया में। बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, इसे हम वैक्यूम ऑपरेटेड मशीन बोलते हैं। और ये मशीन जो है आपका हवा के द्वारा जो है वो आपका जो बीज को वो खेत में बोएगी। तो जैसे ये वैक्यूम जनरेट होता है, वैक्यूम सीधा इस फैन मैनिफोल्ड के द्वारा यहाँ से कनेक्ट होके आपके मीटर यूनिट में जाता है। और दूसरा जो पाइप है ये वाला ब्लैक वाला, ये बेसिकली पॉजिटिव प्रेशर जनरेट करता है। तो पॉजिटिव प्रेशर जो होता है आपका जो है, जब ये सीड वैक्यूम प्लेट से चिपकता है तो जब ड्रॉप होगा तो आपको वो जो है इसमें एक हेल्प करेगा आपको सीड को गिराने में। तो हम अगर मीटरिंग यूनिट में अगर आपको दिखाता हूँ, तो दिस इज द मीटरिंग यूनिट, हम इसको खोलते हैं। बहुत ही आसानी से आप इसको जो है दो यूनिट से अलग कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जैसे ये वैक्यूम जनरेट होगा तो ये तीन मेन मैनिफोल्ड्स हैं जो अलग अलग गैलरी ब्लॉक्स में ये आपका वैक्यूम जाएगा। तो ये तीन हैं, तीनों में आपका अलग अलग वैक्यूम जाएगा। तो जैसे ही हम डिस्क यहाँ पे लगाएंगे तो वैक्यूम जो है इसको खींच लेगा, डिस्क इसके साथ चिपक जाएगी। तो और जब हॉपर में से यहाँ से बीज आएगा आपका दूसरी तरफ से, तो यहाँ से जब बीज होगा ये एजिटेटर इसको घुमाएगा और जो बीज है वो इस सीड को देगा। तो आप देख सकते हैं कि जैसे मैं इसको एंगेज कर दूंगा ऐसे डिस्क लग जाएगी और जो ये छोटे छोटे होल्स हैं इस पे जो है वो सीड बैठ जाएगा। तो जैसे यहाँ पे वैक्यूम ब्रेक होगा आपका और सीड जो है नीचे जाएगा, तो ये पॉजिटिव प्रेशर है वो सीड को ब्लो आउट करूँगा इसमें जो ये शूट्स हैं। तो शूट्स में जो है आपका एक एक दाना जाएगा। आप देख सकते हैं जो हाइट है सिर्फ इतनी ही है ड्रॉप हाइट। तो इससे जो सीड गिरेगा बिल्कुल यहाँ से गिरेगा, बिल्कुल जड़ में। जब जड़ से सीड गिरेगा आपका तो उसकी जो है ग्राउंड में जाने की, इधर उधर जाने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो सीधा ही वो आपकी एक्यूरेट स्पेसिंग में जाएगा। तो आप उससे पहले ये अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, चेसी का स्ट्रक्चर देखें, तो आगे एक स्टील व्हील है जो आपको जो है प्रॉपर प्रेसिंग करेगा ग्राउंड की, ताकि जो सीड की स्विंग हो जब इसमें फ्रो हो ओपन हो तो बिल्कुल बारीक फ्रो ओपनर हो, क्योंकि जो छोटे सीड्स होते हैं उनके लिए हमें बिल्कुल माइन्यूट डेप्थ चाहिए होती है। और यही एक प्रोसेस है जिससे वो सीड प्रेसिंग करता है। उसके बाद फिर ये एक हमारा स्की कोल्टर है जो कि स्पेशल मटेरियल से होते हैं, वो एक बारीक जीरी लगाते हैं, यहाँ पे सीड गिरता है, यहाँ पे जो है सीड कवर होता है। और यहाँ पे जो हमारा आगे जो स्टील व्हील है वो आगे प्रेस करता है। तो ये एक कंप्लीट प्रोसेस रहता है जिससे जो सीड की बिजाई है वो इंश्योर होती है, सीड सॉइल कॉन्टैक्ट होता है, ताकि जर्मिनेशन जो है वो आपकी अच्छी है। इस मशीन की ये खासियत है कि ये आपकी एक लाइन भी बिजाई कर सकती है, दो भी कर सकती है और तीन भी कर सकती है। तो जो क्रॉप हाई डेंसिटी होती है जैसे प्याज हो गया और गाजर हो गई, आपको तीन लाइन चाहिए, तो एक ही यूनिट जो आपको तीन लाइन देगा। और इसकी बजाय आपको भिंडी की बिजाई करनी है वो एक लाइन में करनी है तो वो एक लाइन देगा। तो इसके हिसाब से हमारी ये कोल्टर्स होते हैं वो सिंगल लाइन, डबल लाइन और ट्रिपल लाइन में अवेलेबल हैं। तो काफ़ी एक इस मशीन को आप अगर वेजिटेबल पनीरी भी लगाना चाहते हैं उसकी, तो वो भी लगा सकते हैं। ये बिल्कुल फ्लेक्सिबल मशीन है, ये यूनिट जो है बिल्कुल इकट्ठे हो जाते हैं आपस में, और लाइन टू लाइन की दूरी जो आपको चाहिए 1.5 इंच वो भी पॉसिबल है इस मशीन से। सो मल्टीपर्पज़ मशीन है जो कि आपकी पनीरी की बिजाई भी कर सकता है और आपकी कमर्शियल स्विंग भी कर सकता है। इसके अलावा आप इसमें देख सकते हैं एक गियर बॉक्स है। तो गियर बॉक्स में आप जैसे देख सकते हैं कि तकरीबन आपकी 6 सेटिंग्स हैं, और 6 सेटिंग्स नीचे की तरफ हैं, 6 सेटिंग ऊपर की तरफ है। इसके बाद हमारे पास ऐसा ही एक और
जो है गियर है, जिसमें आपको जो है 12 सेटिंग्स और मिलेंगी, तो तकरीबन आपको 24 सेटिंग मिलती है, जो कि बहुत वर्सेटाइल है। 24 सेटिंग्स मतलब 24 तरह की स्पेसिंग। आप 7 mm पे भी लगाना चाहते हैं वो भी पॉसिबल है, आप 1 फुट पे भी लगाना चाहते हैं वो भी पॉसिबल है। तो हर तरह की बिजाई जो है पॉसिबल है, और इस मशीन का स्ट्रक्चर बहुत ही फ्लेक्सिबल है। आप जैसी भी आप बिजाई करना चाहते हो, जैसी भी आपकी धरातल है, चाहे आप प्लेन पे करना चाहते हो, बेड्स पे करना चाहते हो, रिजिस पे करना चाहते हो, और जो उसकी डायमेंशंस है वो वेरी करती है आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो सब कुछ इसमें मशीन में एडजस्टेबल है। तो आज हम मशीन का सेटअप करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि ये 3 पॉइंट लिंकेजेस हैं। इसमें हम जो है वो ट्रैक्टर की लिंकेजेस इंसर्ट करेंगे। टॉप लिंक इसमें जाएगा, बॉटम लिंक इसमें जाएगा। तो इस हमने ट्रैक्टर की लिंकेजेस इंसर्ट कर दी हैं और मशीन को लिफ्ट कर लिया। अब मशीन का हम सेटअप कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम जो है रो यूनिट्स और ALDV ड्राइव्स को एडजस्ट करेंगे, ताकि आपकी जो बिजाई है वो बिल्कुल एक्यूरेट हो सके। आप देख सकते हैं कि जो है आपकी जो व्हील का सेंटर है और ट्रैक्टर का सेंटर है मिस अलाइंड है। तो नॉर्मली हम जो है इसको अलाइन करते हैं जब हम रिजिस और बेड पे स्विंग करते हैं, ताकि जो आपका बेड प्रोफाइल है वो आपका डिस्टर्ब ना हो। तो 24 नंबर स्पैनर लेना है हमने, और इसको हमने पहले इसे इंगेज कर लेना है। अब देख सकते हैं कि हमारा ALDV ड्राइव जो है वो लूज़ हो गया। अब हम अपने इजीली अब उठा के इसको, जब ट्रैक्टर लिफ्टिंग पोजीशन में होगा आपका, तो हम इजीली इसको उठा के जो है सेंटर में कर सकते हैं। अब हम इसको टाइट कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं जो ट्रैक्टर का सेंटर है बिल्कुल जो है मशीन के सेंटर से अलाइन हो गया। अब हम इसका जो है टायर का डेप्थ एडजस्ट करेंगे, क्योंकि जो बेड का हाइट होता है, कई बार आपका बेड हाइट 5 इंच भी होता है, कई बार 9 इंच भी होता है। तो हम अपने हिसाब से जो है बेड की सेटिंग कर सकते हैं, क्योंकि ये ड्राइव देगा आपकी मशीन को, तो इसका ग्राउंड के साथ टच होना बहुत ज़रूरी है। और इस जो यूनिट्स हैं वो आपके बेड पे चलने, एक एक लेवल पे आपके बेड के चलने बहुत ज़रूरी है, तो ये एक लेवल मेंटेन हो जाएगा इससे। तो ये देख सकते हैं होल्स हैं, तो इस होल के हिसाब से आप अपना जो है लोअर करके उसको अपने हिसाब से जो है वो हाइट एडजस्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो हाइट है वो तकरीबन 4 से 5 इंच नीचे आ चुकी है। अब हम रो यूनिट की जो पोजीशन है वो भी चेंज कर सकते हैं, क्योंकि तो कई बार आपने गाजर लगानी होती है, कई बार आपने अनियन लगाना होता है, तो उसकी सबकी प्रोफाइल अलग अलग होती है। तो हम इसको बिल्कुल ही इसको हमने लूज़ करना है, एंटी क्लॉक वाइज घुमाना है 24 नंबर स्पैनर से। आपको जो है ये वाला जो गियर है उसके भी आपको स्क्रू जो है आपको लूज़ करना है। तो आपने इसको लूज़ करके, इसके ग्रब स्क्रू को लूज़ करके
तो आपको इसको भी अपने हिसाब से एडजस्ट करना है, ताकि जब आप रो यूनिट को इधर एडजस्ट करो तो उस हिसाब से आप इसके अलाइनमेंट को भी सही से रख सको। अब हमने रीपोजिशन कर दिया है इसको, अब हम दोबारा इसको टाइट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये मशीन अब ट्रैक्टर से माउंट हो चुकी है, 3 पॉइंट लिंकेजेस इसमें डल चुकी हैं, पीपीओ जो है वो कनेक्ट हो चुकी है। तो अब हम देख सकते हैं कि ये मशीन है, ये पैलोग्राम मैकेनिज्म सिस्टम पे बेस्ड है। इसका मतलब क्या होता है कि ये जो आप मशीन है, जब ये मशीन चलेगी तो अगर जो आपके खेत में थोड़ा सा भी अगर उबड़ खाबड़ खेत हुआ आपका, तो वो अपना जो है ये लेवल मेंटेन करेगी सीड की डेप्थ का, क्योंकि तो अगर सीड गहरा चला गया तो वो जमेगा नहीं, तो आपकी प्रोडक्टिविटी में फ़र्क आएगा। और ये जो मैकेनिज्म है, ये पूरा पैरोग्राम मैकेनिज्म, इसमें आपको सीड की डेप्थ में फ़र्क नहीं आएगा, जिससे आपका जो फसल है वो एक सार आएगी और सारी की सारी फसल एक सार आएगी और एक सार कटेगी। और इसमें आप जो है कॉमन टूल बार पे आप कितने भी यूनिट माउंट कर सकते हो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। हाई डेंसिटी क्रॉप करनी है तब भी आप कर सकते हो, अगर लो डेंसिटी क्रॉप करनी है तो भी आप कर सकते हो। तो अभी हम क्या करेंगे, अब हम जो है आपकी जो सीट टू सीट स्पेसिंग है वो सेट करेंगे। तो वो हम जो है नॉर्मली इससे करते हैं, हमारे गेयर बॉक्स के कॉम्बिनेशन और हमारी जो सीट में डिस्क में होल है उसके उसके कॉम्बिनेशन से। तो पहले हम जो है गेयर बॉक्स जो हम, आप देख सकते हैं कि हमारे पास ALBL CLDL जैसे ये जो सेटिंग है इसके हिसाब से गियर लगे हुए हैं। तो ये हमारी जो यूजर मैनुअल है इसमें हम देख लेंगे कि हमारा जो चार्ट है हमें कौन सी स्पेसिंग पे चाहिए। तो आपको देख सकते हैं कि 24-15 जो कॉम्बिनेशन है आपका, वो आपको 24 होल पे तकरीबन 2.5 इंच की स्पेसिंग देगा, और यही 11-22 जो आपकी कॉम्बिनेशन है उस पर आपको 8 इंच की स्पेसिंग देगा। तो एक ही डिस्क जो है आपकी आपको डिफरेंट स्पेसिंग देगी आपकी डिफरेंट कॉम्बिनेशन 24-15 और 17-20 पे। तो हम जिसको हमने यूज़ कर लिया है इन मेटल्स को नीचे करके, तो जो ये अब चेन आपकी यूज़ हो चुकी है, तो आप इसको जो है नेक्स्ट अगर आप सेटिंग कर लीजिए तो इसमें कर सकते हम आप जो है गियर जो है अलग पोजीशन पे लगाएंगे। हम इसको थोड़ा सा यूज करके तो आप देख सकते हैं कि हमने जो है पोजीशन थी हमारी AL, उससे हम जो है SL पे आ चुके हैं। तो ये जो हमारा कॉम्बिनेशन लगा हुआ है ये 13x30 का लगा हुआ है, तो 13x30 के चार्ट पे हम जो है वो पोजीशन सेट कर सकते हैं अपनी क्रॉप। यूनिट को खोलेंगे, हमें ये सेल्फ सेंटर्ड लॉक नट होते हैं, हमें इनको डिसएंगेज करना है ताकि हम डिस्क लगा सकें इसमें। लगानी है तो जो है पीटीओ थोड़ा सा वैक्यूम जनरेट करे, ताकि जो आपकी डिस्क है वो इजीली पोजीशन हो जाए। ये आपकी MS की डिस्क है और बहुत ही फ्लेक्सिबल है, जैसे ही ये थोड़ा सा वैक्यूम मिलेगा ये बिल्कुल इसके साथ वो स्टिक हो जाएगी। हम थोड़ा सा हम पीटीओ चलाएंगे ताकि वैक्यूम बने, इसमें 3 पॉइंट जो 3 रूज हैं वो 3 पिन में जाए। तो ये डिस्क एंगेज हो गई है और बिल्कुल कैरी ब्लॉक के साथ एकदम चिपक गई है। तो हमें इसको हम दोबारा ब्लॉक कर देंगे। डिस्क को सेट कर लिया,
और हम इसमें कॉपर में सीड डाल के इसकी सेटिंग करेंगे। सीड बॉक्स तो जो सेट प्रेशर है इसका 35 से 40 जो बार है हम इस पर प्रेशर सेट करेंगे, और जो इसमें पॉजिटिव प्रेशर है वो आपका जाएगा तकरीबन 10%, तो वो 2 से 3 बार तक रहेगा। तो ये वैक्यूम है, इसको हम अप टू 40 HP जो है बार तक हम लेके जाएंगे। हाथ से पकड़ना भी बहुत मुश्किल होता है, तो हम इसको इस छोटे से बीज को हम आसानी से इस मशीन के द्वारा जो है हम बो सकते हैं। देख सकते हैं कि ये गोभी का जो है पैकेट है, हम गोभी का सीड जो कि फूल गोभी है इसके जो सीड होते हैं वो बहुत ही जो है राउंड होते हैं, और देख सकते हैं कि एक एक जो है 1 mm से लेके ये 2 mm तक जो ये सीड होता है। जब हम नॉर्मली यहाँ पे बिजाई करते हैं अगर हाथ से करेंगे तो आप देख सकते हैं कि 3 से 4 दाने पकड़ लिए हैं मैंने। तो ऐसे ही नॉर्मली जो है जो फील्ड में बिजाई होती है 2 से 3 दाने इकट्ठे डाल देती है लेबर, तो आपका जो सीड है बहुत ही एक्सपेंसिव है, तकरीबन 30,000 रुपीज़ kg सीड है, तो आपका 50 से 60% जो है सीड ऐसे ही वेस्ट हो जाता है। और अब हम इसको जो है मशीन में डालेंगे और देखेंगे कि ये कैसे काम करती है, ये कैसे सीड को उठाती है। तो हम सीड को जो है इस में डाल रहे हैं, ये हमारा ऊपर है, ऊपर में हमारा जो है सीड हमने डाल दिया। अब हम पीटीओ घुमाएंगे और ट्रैक्टर को स्टार्ट करेंगे। देख सकते हैं कि मशीन ने एक ही दाना उठाया है डिस्क ने, और एक ही जो है वो ड्रॉप हो रहा है। तो इतना महीन सीड जो है छोटा सी
छह सीट होता है गोभी का, तो बड़ी ही आसानी से इस मशीन ने उठा लिया और अपनी बिजाई कर रहा है।